आर यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो वन ऐसा लग रहा है कि बस काम हो गया फर्स्ट गियर, एंड इन लाइन फोर इंजन तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली। तो आज वैसे मेरे पीछे आपको दिख गई होगी वायरस, और वायरस पे पड़ी एक स्पेशल चीज। स्पेशल चीज मतलब ये पड़ा अपना हेलमेट, पर आज इस पे नहीं चल रहे क्योंकि मेरे को ऐसी ऐसी जगहों पे जाना है जहाँ पे गाड़ी बहुत देर तक पार्किंग होगी और पता नहीं वहाँ पे पार्किंग सेफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अपन चल रहे हैं i10 पे। तो ये रही अपनी i10, और वैसे बहुत ही मुझे मज़ा आता है इसको चलाने में क्योंकि ये बड़ी फ्रेंडली है, मतलब यूज़र फ्रेंडली है। कहीं पे भी पार्क कर दो, कहीं पे भी ले जाओ, ऐसे 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 zigzag करके निकाल दो। वो खड़ी है अपनी कार और वहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। तो वैसे कोई स्पेशल इंसान विराजमान हो चुका है गाड़ी के अंदर। हाय हाय। कुछ बोलना भी होता है, सिर्फ हंसना नहीं होता। गुड मॉर्निंग। हवा बहुत तेज चल रही है, तो हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। अजीब सा मौसम हो रहा है। तो यार ये रहा NS1 और ये है अभी क्लोज्ड। तो आज करना था मुझे वेलोस का व्लॉग, और अब NS1 तो अभी देखो बंद पड़ा है। क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। वैसे भी मैं कॉल करने वाला हूँ और पता करने वाला हूँ कि आज खुलेगा या नहीं खुलेगा। आजकल जब से कोविड वाला चक्कर चल रहा है तब से NS1 डेली नहीं खुलता, बिकॉज वॉक इन कस्टमर वो वैसे भी एंटरटेन नहीं कर रहे। कस्टमर्स जो भी आते हैं वहाँ पे बाय अपॉइंटमेंट, ऑन अपॉइंटमेंट ही वो कैटर करते हैं। तो कॉल करके पता कर लेते हैं। Few moments later. तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ NS1। टाइम हो गया 2:46 समवेयर, हाँ जी 2:40 के आसपास। और काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी बातचीत में लग गए थे क्योंकि अपनी कुछ खिचड़ी पकड़ी है एक और बाइक की। अब वो खिचड़ी देखो क्या पकड़ी है ये तो पता नहीं है, बट आज एज प्रोमिस्ड जो मैंने प्रोमिस किया था उसके लिए मैंने एक बाइक खड़ी करवा ली है यहाँ पे, और वो ये रही। सो लुक एट दिस सेक्सी मशीन, मतलब ये इतनी सेक्सी लग रही है और इतनी एपिक लग रही है दिखने में कि क्या ही बोलूँ। आपको कैसी लग रही है मुझे बताना। तो अब आज बात करते हैं सारी इस बारे में, मतलब इस बाइक के बारे में पूरा, आज उधेड़ते हैं इसको थोड़ा सा। और साथ में वैसे तो खैर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर राइड पे चलते हैं थोड़ा सा इसका टेस्ट राइड रिव्यू भी ले लेते हैं। बात करें बाइक के लुक्स की, तो लुक्स बाइक के बहुत ही स्पेशल हैं। मुझे ये जो रेयर व्हील है इसका, सिंगल साइड स्विंग आर्म एंड एलॉय जो दिखता हुआ है, ये बहुत ही स्पेशल लग रहा है। देन यहाँ पे ये जो ड्यूल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, स्टॉक मतलब कंपनी के ही एग्जॉस्ट हैं। तो आवाज़ मेरे ख्याल से काफ़ी स्वीट सी होगी इसकी। लुक्स के अंदर बहुत ही स्पेशल चेसी रेड कलर की जो बहुत ही डिफरेंट लग रही है, एंड गोल्डन एंड पर्ल वाइट कलर जो अगेन डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे इसका एयर इंटेक जो रैम एयर के लिए होता है, एंड इन लाइन फोर इंजन। तो ये एक्चुअली MV अगस्ता की इन लाइन फोर इंजन है। तो जो मॉडल है वो एग्जैक्टली है MV अगस्ता 1090 ब्रुटाले RR यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 1089 cc, 165 bhp, एंड अगर वेट की बात करें बाइक की तो 195 kg ओनली। तो बाइक के लुक्स बहुत ही स्पेशल, टैंक भी मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है इसका, और सीट काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। पीछे की सीट भी बहुत डिफरेंट सी है, और अगर इस तरीके से इसके लुक्स की देखें, मतलब बाइक को अगर मैं इस एंगल से देख रहा हूँ तो यार क्या लग रही है यार ये बाइक। मतलब पीछे के टेल लैम्प्स भी बहुत ही अलग से, बहुत डिफरेंट लुक। और देखो बाइक कैसी लग रही है आपको मुझे बताओ, नीचे कमेंट्स करना चालू कर दो। और अगर आगे के लुक्स की बात करूँ तो काफ़ी बोल्ड लुक्स हैं। हेडलैम्प इसकी सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे, एंड नीचे नॉर्मल हेडलैम्प्स DRL इसके अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो डिफरेंट तरह के DRL हैं। और प्लस यहाँ पे ये इंडिकेटर लैम्प्स भी हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिकेटर यहाँ भी जलते हैं तो पता नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक बाइक स्टार्ट की नहीं है। तो बाइक के अंदर अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो मर्ज़ोची के सस्पेंशन लगे हुए हैं इसमें, ये लगे हुए अपसाइड डाउन फोक्स, एंड इसके अंदर जो ब्रेक हैं वो ब्रेम्बो के हैं। और बाइक यार क्या लग रही है यार, मैं क्या ही बोलूँ बाइक को, मतलब क्या लग रहा है आपको इसको देख के, कैसी लग रही है? ज़बरदस्त लग रही है बिल्कुल। तो मैंने अभी तक बाइक स्टार्ट की नहीं है, बाइक अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैमरा आज ज़्यादा हिल रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल से व्लॉग कर रहा हूँ, कैमरा हो गया अपना ख़राब।
और अब इसको स्टार्ट करते हैं, एक बार मीटर ऑन करते हैं। तो ये रही इसकी चाबी और ये मैंने ऑन की। ओए ओए क्या बात है, स्टार्ट तो बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो इसके अंदर मीटर में वैसे 300 दिखा रहा था, टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो करती है 265, पर मेरे ख्याल से ये 100% ज़्यादा जाती होगी। तो ये कोई प्राणी झांकता हुआ तो एनीवेज ये खड़ी बाइक पे मैं आ चुका हूँ, पूरा हेलमेट वगैरह और गियर पहन के, ये देखो पूरे पहन लिए, और अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कर दी की ऑन, आरपीएम निडल पूरी अच्छे से गई, 15,000 आरपीएम पीक। यहाँ पे बाइक का टेम्परेचर दिखा रहा है, गियर न्यूट्रल, और यहाँ पे स्पीड स्पोर्ट्स मोड पे भी बाइक है, ABS इसमें ऑन है, 1818 मतलब वो दिखा रहा होगा इसका अपना किलोमीटर, तो टोटल कितनी चली हुई है। तो इसमें लैप टाइमिंग भी है, सर्विस भी दिखा देगा, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग 2 पे है अभी, ABS भी इसमें सेट हो जाता है, तो नॉर्मल पे आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ सेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इंजन किल स्विच ऑफ, ये हो गई भाई स्टार्ट, तो टेम्परेचर ऑलरेडी आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवाज़ बहुत ही स्मूथ आ रही है बाइक की, मज़ेदार आ रही है, और स्टॉक एग्जॉस्ट की वैसे भी स्मूथनेस थोड़ी सी अलग ही होती है। तो चलते हैं अब राइड पे। तो मैंने इस बाइक की ना बड़ी तारीफ़ सुनी है, तारीफ़ मतलब कि इसकी पावर बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने ऐसा सुना है। तो ये आज मैं पहली बार चला रहा हूँ वैसे, इवन अगर मैं सच बात करूँ तो 1000 cc की नेकेड बाइक मैंने, अच्छा हाँ मैंने पहले चलाई हुई है, मैंने चलाई है अपना CB 1000 होंडा की, और उसके अलावा कोई भी नहीं चलाई। तो ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि बाइक फॉर सेल है, तो इसलिए ज़्यादा खींचनी वींचनी नहीं है, और फर्स्ट गेयर सिर्फ ट्राई करेंगे कितनी जाती है बाइक। तो आगे वैसे स्पीड कैम लगा हुआ है, स्पीड कैम के बाद में फर्स्ट गेयर चेक करते हैं। तो ये मैंने दोबारा ऑन कर लिया, रोड पूरी ठीक दिख रही है, राइट अब ये बिल्कुल सही दिख रहा है, मेरे को व्यू बिल्कुल सही दिख रहा है, थोड़ा सा टैंक भी दिख रहा है बाइक का। एंड ये मैंने लगा लिया सेकंड गियर, आगे स्पीड कैम मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो फ्यूल की वैसे लाइट दिख रही है, पर फ्यूल इतना है कि अपन घुमा के आ जाएंगे बाइक को। सस्पेंशन बाइक का अच्छा है, इसमें मेरे ख्याल से क्विक थ्रॉटल भी लगाओगे, नहीं क्विक थ्रॉटल नहीं है इसमें, मुझे ऐसा लगा ये वायर देख के कि यहाँ से ये क्विक थ्रॉटल की वायर है। तो गियर वापस फर्स्ट, ट्रैफिक थोड़ा सा है रोड पे, तो ट्रैफिक का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अभी, एक काम करते हैं थोड़ा सा एक बार रोक लेते हैं, तो थोड़ी सी बाइक चेक हो जाएगी। वैसे आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, चलो फिर भी चेक करते हैं। फर्स्ट गियर, भाई बाइक गजब की गई बिल्कुल, मतलब एक नंबर, मेरे को नहीं पता कितनी स्पीड पे गई क्योंकि एग्रेशन इतना था कि समझ में ही नहीं आया मुझे, ऑनेस्टली बताऊँ तो समझ में नहीं आया। आई विश आज माइक बिल्कुल सही से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे माइक का इशू आ रहा है। ये आ गया मैं थर्ड गियर, और अब बाइक को बेसिकली चेक कर लेते हैं। पावर बहुत ही अच्छी, ब्रेकिंग तो खैर क्या ही बोलूँ, मतलब खतरनाक ब्रेकिंग है, खतरनाक बिल्कुल एक नंबर ब्रेकिंग। आई विश हायाबुसा की ब्रेकिंग ऐसी होती। सस्पेंशन अच्छा है, बम्प का ज़्यादा मुझे पता नहीं लगा। तो ये आ गया मैं फोर्थ गियर पे, अच्छी चल रही है यार बाइक, बहुत अच्छी चल रही है, मज़ेदार बिल्कुल, जिगजैग करने में बहुत ही इजी। सस्पेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा बाइक का, क्योंकि जैसे ये बम्प्स निकल रहे हैं ना बिल्कुल फील नहीं हो रहा, मतलब बहुत ही स्मूथली बम्प्स निकल रहे हैं। थोड़ा सा शीशा सेट कर लूँ, कुछ अभी यार ब्रेकिंग में मज़ा आ गया मुझे, मतलब इतनी ज़बरदस्त ब्रेकिंग है और इतने प्यार से इधर उधर जा रही है ना। तो इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है बाइक में, मुझे लगा था कि शायद क्विक शिफ्टर है, पर क्विक शिफ्टर नहीं है बाइक में। सिक्स गियर पे चला रहा हूँ भी मैं, स्मूथनेस तो मतलब गजब की है, अल्टीमेट स्मूथ चल रही है, अल्टीमेट। ब्रेकिंग यार क्या ब्रेक है भाई, गॉड
ब्रेक तो ऐसी है, मतलब दबाते ही, मतलब जस्ट लीवर दबाते ही ऐसे कटक करके एकदम डाउन हो रही है ना बाइक, मज़ा सा आ गया। अरे वाह, तो इसमें ये जो इंडिकेटर्स हैं, जो अपने पार्किंग इंडिकेटर्स हैं, वो यहाँ से चलते हैं। ये मैंने ऐसा कभी भी स्विच किसी बाइक में देखा नहीं है, मुझे लगा ये रेड रेड क्या है, ज़रा देख लूँ, तो देखते ही पता लग गया कि ओके ये इंडिकेटर का बटन है। तो गर्मी हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त, बाइक रोकते ही तोते उड़ गए भाई। जब तक बाइक चल रही थी ना तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, रोकते ही ऐसा लगा कि बस काम हो गया। मतलब हर गियर में इतनी पावर है ना, तो मतलब मैंने फर्स्ट गियर में भी उठाई उतनी ही एग्रेशन था, सेकंड में उठाई तो भी उतना ही एग्रेशन था, अभी फोर्थ गियर पे है। और ये देखो गजब का एग्रेशन है भाई यार। ओहो, स्पीड कैम स्पीड कैम स्पीड कैम, चलो भाई धीरे हो जाओ, 50-60 पे आ जाओ। तो स्पीड कैम आ गया वापस से, 50-60 पे आ गए अपन। तेज़ नहीं चलानी भाई, पहले ही मेरे चलान बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या आपकी बाइक के चलान नहीं होते क्या? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस वाले मुझे छोड़ देते हैं, या मैं कोई मिनिस्टर के, मतलब मेरे कोई चाचा ताऊ मिनिस्टर लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बिल्कुल रोक लेते हैं पुलिस वाले, और बहुत बार मैंने चलान दिया है, बहुत बार मैंने वीडियो भी मतलब बनाया है, बट मैंने कभी दिखाया नहीं क्योंकि मैं दिखाना चाहता नहीं। तो ये आ गया बरिस्ता भाई, ये बरिस्ता से ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, जो टर्बो फैमिली के पुराने मेंबर हैं वो ज़रूर याद कर गए होंगे कि बरिस्ता से क्या कहानी है। तो जिनको भी पता है कि बरिस्ता वाली कहानी क्या है, वो नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपने सही कमेंट का आंसर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई आप काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो। गजब यार, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब एक बिल्कुल छोटी बाइक चला रहा हूँ, मतलब 100-200 सीसी वाली, या ड्यूक चला रहा हूँ। ड्यूक बिल्कुल ऐसी चलती है, मतलब ड्यूक को जब भी जिगजैग करो ना ऐसे ऐसे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आती, मतलब कहीं से ही निकाल दो उसको। ये देखो बड़ी प्यारी चल रही है यार, बड़ी प्यारी चल रही है। ओए होए, स्वाद ही आ गया। तो सच बताऊं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर टेम्परेचर की बात करूं तो अभी मेरे ख्याल से शायद 38-40 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर। बट ये एक तो क्या, ऊपर मेट्रो चल रही है तो उस वजह से धूप वूप नहीं है, तो थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। और एक इसको चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो मैं गर्मी को भूल गया हूँ। देखो कितना सही एग्रेशन है बाइक में, मतलब मैं यहाँ सिक्स्थ गियर में हूँ, और ये देखो गजब, बहुत प्यारी चल रही है, वेरी वेरी स्मूथ। मतलब एक होता है स्मूथ, एक होता है वेरी वेरी स्मूथ, तो ये वेरी वेरी वाला स्मूथ है। अच्छा एक चीज़ और है, स्टॉक एग्जॉस्ट में बाइक चलाओ तो अलग मज़ा है, और एग्जॉस्ट लगा के, मतलब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के चलाओ तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो अगर जैसे स्मूथ चलानी हो, जैसे ये स्मूथ चल रही है, तो किसी भी इनलाइन फोर में स्टॉक एग्जॉस्ट लगा लो, वो बिल्कुल हो जाती है स्मूथ, मक्खन बिल्कुल बटरी। पर पीछे ना कोई नहीं है, मैं ब्रेक टेस्ट कर रहा हूँ इसे। ये आया ब्रेकर और मैं कर रहा हूँ ब्रेक टेस्ट। ओ भाई खतरनाक भाई, ब्रेक्स तो ऐसे हैं कि मतलब अगर हैंडल छोड़ दूँ तो मैं आगे ही ऐसे निकल जाऊँ, बाइक पीछे ही रह जाएगी। मतलब इसके ब्रेक एक्चुअल में ऐसे हैं कि मैं पीछे रह, मतलब बाइक पीछे रह जाएगी, मैं आगे जाऊँ। तो समझ जाओ मतलब मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ, टर्बो फैमिली समझदार है, समझ जाएगी। अच्छा एक चीज़ और है कि नेकेड बाइक चलाने का ना अपना एक मज़ा होता है, एक तो आप बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठे होते हो, बैठने की पोजीशन बड़ी अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, और जो कॉन्फिडेंस आता है ना इसको चलाने में, मतलब इधर उधर कहीं पे भी कच्चे में कुदा दो, मतलब इतनी हल्की होती है ना, और इतनी मतलब एकदम आपसे कनेक्ट हो जाती है नेकेड बाइक। तो
आरसी मतलब केटीएम की आरसी एंड ड्यूक भी ऑलमोस्ट सेम सी बाइक है, बट पता नहीं क्यों ड्यूक चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। इवन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर किसी को 400 सीसी के अंडर या 400 सीसी के आसपास कोई भी बाइक लेनी हो तो ड्यूक 390 से अच्छा ऑप्शन मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी है। इवन जो एडवेंचर आई है नई वाली अपना KTM की, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 390 एडवेंचर। मैंने वो चलाई, मेरे को मज़ा आ गया, बट बाई चांस उस दिन क्या है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कैमरा वैमरा नहीं था तो मैं कवर नहीं कर पाया, बट वो भी वैसी ही चलती है यार, मतलब अलग है थोड़ी सी। तो यार आ गए अपन वापस NS1, तो कुछ ऐसी दिखती है बाइक इस साइड से, एंड ब्यूटीफुल बाइक, मज़ा आ गया मुझे चलाने में। एक बार शोरूम अंदर से दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखता है ये शोरूम। और कुछ एक बहुत अच्छी बाइक्स जो मुझे लगती हैं, जो मुझे पर्सनली लगती हैं, एक तो ये चारों, मतलब हायाबुसा जो वन ऑफ माय फेवरेट नंबर वन पे आज भी यही है, RS V4 RF स्पेशल बाइक, एंड मतलब बहुत डिफरेंट बाइक है और लिमिटेड एडिशन, ओनली 5 इन इंडिया और 500 इन द वर्ल्ड, RS V4 फैक्ट्री। तो ये काफ़ी अच्छी ट्यूनअप हुई है, स्ट्रीट ट्रिपल RS, भाई क्या बाइक है ये भी, एंड इवन सुपर स्पोर्ट्स ये भी बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों की एक फेवरेट बाइक R1, तो ये बाइक जस्ट अभी आई है, आई मतलब कि अभी तो एक्चुअली में थोड़ी सी गंदी भी हो रही है, और जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी फॉर सेल के लिए। यहाँ पे एक और हायाबुसा फॉर सेल के लिए, तो एक दो जनों को शायद डाउट हो रहा था कि ये जो मैंने बेची थी वही वाली है, नहीं ये वही वाली नहीं है, बट हाँ ये सेम एडिशन है, सेम एडिशन मतलब कि ये सेम ग्राफिक वाली सेम बूसा है। तो ये वाली बाइक ना एक बार और मुझे टेस्ट राइड करनी है, क्योंकि आज तक मैंने चलाई नहीं है। GS750 BMW टूरिंग बाइक, थोड़ी सी डिफरेंट। यहाँ पे एक और टूरिंग बाइक BMW XR 1000, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, थक इसलिए गया हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स करके बता देना, और अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ट आ गया, देख लेना। राइड कैसी लगी मुझे बताना, ये खड़ी बाइक, और बाय बाय, एंड NS1 को भी बाय बाय। तो अगर कोई भी बाइक अगर कवर करनी हो तो मुझे बता देना, थोड़ा सा हिल ज़्यादा रहना ये, हाँ लग रहा है ज़्यादा हिल रहा है, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है या वैसे हिल रहा है, हाँ हाथ हिल रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं क्या, नहीं अभी ठीक है, फिर मेरे ही हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैं बाइक राइड करके आया हूँ, तो वो हल्का सा शेक हो रहा है अभी हाथ, एंड ज़्यादा तेज़ चलाता हूँ तो ऐसे ही होता है। तो चलते हैं।